हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर। गाइज, अपना जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर होगा उसमें आपको कौन से आइटम्स देखने को मिलेंगे, बंडल्स आने वाले या फिर गन स्किन आने वाली है, गाइज क्या आने वाला है वो गाइज मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा गाइज हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ अपकमिंग रेड इंक्यूबेटर रिटर्न के बारे में। गाइज, अपने जो रेयर इंक्यूबेटर्स है वो आप सभी लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेंगे। जैसे कि गाइज अपना जो जोकर वाला इंक्यूबेटर है वो आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा, जो पोकर MP40 वाला इंक्यूबेटर है वो रिटर्न देखने को मिलेगा, और भी गाइज काफी सारे इंक्यूबेटर्स है जो कि आप सभी लोगों को रिटर्न में देखने को मिलेंगे। तो गाइज, कौन से इंक्यूबेटर्स है जो कि आपको रिटर्न में देखने को मिलेंगे उसका भी फुल डिटेल्स मैं आप सभी लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आई होप गाइज आप सभी लोग वीडियो को तो एंड तक देखोगे, लेकिन गाइज मेरी 7-8 मिनट की वीडियो से इंपॉर्टेंट है मेरा देश। अरे कहना क्या चाहते हो, रुको जरा। तो गाइज, कल के दिन अपना 15 अगस्त था एंड आप लोगों ने अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को विशेष भी दी होगी, काफी सारे स्टेटस भी आप लोगों ने लगाए होंगे, इंस्टाग्राम में स्टोरीज भी लगाई होगी, सभी लोगों को टैग भी किया होगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन गाइज, अगर आप लोग सच्चे इंडियन हो तो गाइज मेरी ये बात आप सभी लोग ध्यान से सुनना। गाइज, कल के दिन अपना 15 अगस्त था एंड गाइज अपने इंडिया में जो भी फेस्टिवल होता है उसके दिन गाइज आप सभी लोगों को फ्री फायर के अंदर इन गेम में आप सभी लोगों को कोई भी ऐसा छोटा मोटा इवेंट तो देखने को मिलता ही है, जिसके अंदर आप सभी लोगों को कुछ फ्री करियर्स देखने को मिल जाता है, कुछ मिशन कंप्लीट करने पर आपको रिवर्स मिलता है। बट गाइज, इस बार हमको कोई भी ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिला। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हमको इवेंट नहीं चाहिए, फ्री के आइटम्स नहीं चाहिए। बट गाइज, जो फ्री फायर के ऑफिशियल हैंडल्स पेजेस होते हैं वहां पर भी गाइज हम प्लेयर्स को कोई भी ऐसी विशेष देखने को नहीं मिली। गाइज, कोई भी ऐसा पोस्ट भी नहीं है जिसमें गाइज गरेने वाले बोल रहे हो कि सभी इंडिया वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइज, हमको इवेंट ना दिया तो कोई बात नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए फ्री के रिवर्स, बस हमको नहीं चाहिए, आप मत दो हमको कोई फ्री के रिवर्स। बट एटलीस्ट हमको विशेष तो करनी चाहिए थी ना कि भाई आप सभी प्लेयर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइज, ये बात जो है वो मेरे को काफी गुस्सा दिला रही है। गाइज, हमारा इतना होली फेस्टिवल था, कल के दिन गाइज हमारा इतना पवित्र दिन था जिसके गाइज घरने वालों ने ऐसे मजाक उड़ाई है। इनकी माँ की भोसड़ी। गाइज, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, शायद इस वीडियो पर 100-200 से ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। बट गाइज, जो भी 100-200 ये वीडियो को देख रहे हो, जो भी प्लेयर्स देख रहे हो, गाइज मैं प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। गाइज, मैं ऐसा कभी भी आपको नहीं बोलता, हाथ जोड़कर कभी भी नहीं बोला। बट गाइज, ये अपने देश की बात है, अपने तिरंगे की बात है, अपने इंडिपेंडेंस डे की बात है। तो गाइज प्लीज, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोगों के पास अगर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो गाइज फ्री फायर वालों का जो ऑफिशियल पेज होता है उनकी रिसेंटली पोस्ट पर जाकर आप ये हैशटैग को आप सभी लोगों को जरूर लिखना है, #shame on free fire। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। भाई, मैं रियली बोल रहा हूँ कि हम लोगों को इवेंट नहीं चाहिए, हम लोगों को फ्री के आइटम्स नहीं चाहिए, मत दो आप, हम लोग नहीं मांगते आप लोगों से। बट एटलीस्ट गाइज विशेष तो कर सकते थे ना, बट गरेना वालों ने हमको विशेष भी नहीं की। तो गाइज, ये बात मेरे को काफी बुरी लगी एंड गाइज कल रात से मेरे को काफी ज्यादा दुख हो रहा है। तो गाइज, मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइज जो हैशटैग मैंने आप लोगों को बताया है वो हैशटैग आप सभी लोग जरूर से चलाना। गाइज, जैसे अपना जस्टिस फॉर इंडिया सर्वाइवल वाला हैशटैग चला था, वैसे गाइज ये हैशटैग चलना चाहिए, शेम ऑन फ्री फायर, तभी गाइज गरेना वालों को पता चलेगा इंडिया का पावर। ये अभी की बात नहीं है, शुरू से गरेने वाले इंडिया सर्वर के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। गाइस, जो हैशटैग आप लोगों ने चलाया था जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर वो बिल्कुल ही सही था। बट गाइस, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक गाइस गरेने वाले हमारे साथ ऐसा करते रहेंगे। अगर गाइस उन लोगों को इंडिया में गेम चलाना है तो गाइस ये बात गरेने वालों को पता चलनी चाहिए कि उन लोगों ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। गाइस, इस वीडियो पर भले ही व्यूज ना आए बट आप लोगों को अपने दोस्तों को बोलना है कि भाई ये टैग तू यूज कर, जो भी फ्री फायर की रिसेंटली पोस्ट है उस पर तेरे को ये टैग को यूज करना है। तो गाइस, तभी फ्री फायर वालों को पता चलेगा इंडिया का पावर। तो गाइज, अभी चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर। तो गाइज, आप लोगों को पता ही होगा कि अपना कुछ ही दिनों पहले एक न्यू इंक्यूबेटर आया था जिसके अंदर आपको ब्लूप्रिंट का ग्लिच देखने को मिला था। तो गाइज, वो ग्लिच की वजह से फ्री फायर वालों ने जो इंक्यूबेटर है उसको रिमूव कर दिया है। तो गाइज, अभी वो जो इंक्यूबेटर है वो आपका 5-6 दिनों के अंदर अंदर हमारे गेम में अवेलेबल हो जाएगा और आप लोगों के जो ब्लूप्रिंट है वो भी रिमूव हो जाएंगे, आप लोगों ने जो भी बंडल एक्सचेंज किया होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। तो गाइज, वो जो इंक्यूबेटर है वो आपको पहले देखने को मिलेगा, मतलब 4-5 दिनों के बाद वो जो इंक्यूबेटर है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद का जो इंक्यूबेटर होगा उसके अंदर गाइज आप सभी लोगों को 4 ओम की गन स्किन देखने को मिलेगी, AWM जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका गाइज इंक्यूबेटर आपको देखने को मिलेगा, गन का इंक्यूबेटर होने वाला है। तो गाइज, वो ओम का इंक्यूबेटर है वो आप लोगों को बैकग्राउंड में चल ही रहा होगा, तो आप लोग देख लेना कि किस तरीके से आपको 4 गन स्किन देखने को मिलेगी। गाइज, मैं अपनी चैनल पर 4-5 वीडियो में बता चुका हूँ, एट्रीब्यूट्स के साथ आप सभी लोगों को रिव्यू करा चुका हूँ। बट गाइज, जो न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को अगर नहीं पता तो वो देख लेना। गाइज, इस तरीके से आपको 4 गन स्किन है वो देखने को मिलेगी। We'll be right back.
अभी गाइस बात रहती है कि जो रिटर्न इंक्यूबेटर है वो कौन से आने वाले हैं। तो गाइस बाहर के कुछ सर्वर है जिसमें गाइस आप सभी लोगों को 3-in-1 इंक्यूबेटर देखने को मिला है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आप सभी लोगों को एक ही इंक्यूबेटर में 3 बंडल देखने को मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग 3 इंक्यूबेटर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अपने इंडियन सर्वर में तो अभी तक कोई भी ऐसा 3-in-1 इंक्यूबेटर नहीं आया है। गाइस रैम्पेज के इवेंट के दौरान आपको M10 का इंक्यूबेटर देखने को मिला था, बट वो फर्स्ट इंक्यूबेटर था जो कि आपको 2-in-1 इंक्यूबेटर में देखने को मिला था। तो गाइस अपना जो इंडिया सर्वर है उसके अंदर आपको ऐसे 3-in-1 इंक्यूबेटर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि दिवाली के टाइम पर आपको देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि जो इंक्यूबेटर है वो आपको एक एक करके देखने को मिले। तो गाइज अभी जो इंक्यूबेटर की पॉसिबिलिटी निकल रही है वो है गाइज अपना जो जोकर वाला इंक्यूबेटर, वो हो सकता है कि शायद से आप सभी लोगों को रिटर्न में देखने को मिल जाए। उसके बाद में गाइज अपना जो पोकर MP40 वाला इंक्यूबेटर है वो हो सकता है कि आप सभी लोगों को रिटर्न में देखने को मिल जाए। अभी गाइज उसका जो वैल्यू है वो डाउन हो चुका है, 2-3 बार रिटर्न आ चुका है, तो इस वजह से उसका जो वैल्यू है वो कम हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न में दे दे। उसके अलावा गाइज अपना जो बनी इंक्यूबेटर है उसके भी यहाँ पर लीक्स निकल रही है कि वो भी आपको रिटर्न में देखने को मिले। इसके अलावा गाइज अपना जो गोल्डन शेड वाला बंडल है उसका भी इंक्यूबेटर शायद से आपको रिटर्न में देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये जो चारों इंक्यूबेटर मैंने आप लोगों को दिखाया है इसमें से गाइज कोई भी एक इंक्यूबेटर या फिर हो सकता है कि 3-in-1 इंक्यूबेटर आपको रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज अब बात सही थी कि आपको कब रिटर्न में देखने को मिलेगी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 3-in-1 इंक्यूबेटर आता है तो गाइज वो तो आपको कोई फेस्टिवल के दौरान ही देखने को मिलेगा, कोई ऐसा मेगा इवेंट होगा जिसके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी गाइज अपनी दिवाली आने वाली है तो हो सकता है कि दिवाली के टाइम पर आपको देखने को मिल जाए। बाकी गाइज मेरे को कुछ भी कंफर्म अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत ही शेयर कर देता हूं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्यार सा लाइक कर दो, एंड भाई लोग यार चैनल पर न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि गाइज मैं फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी वीडियो जब भी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले गाइज आपको मिले और सबसे पहले आप लोग वीडियो देख पाओ। सो गाइज मिलते हैं शाम की न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।